नमस्कार साथियों, अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ डीएलएफ फाइनेंस लिमिटेड पे। उससे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो डीएलएफ फाइनेंस लिमिटेड इस स्टॉक में लगातार पिछले कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड, एक दो दिन ऊपर की तरफ चलती है, फिर से शेयर प्राइस डाउन होने लगती है। लेकिन ऐसा मेरे समझ से तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वैश्विक स्थिति जो चल रही है अभी, उसके वजह से इस स्टॉक पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और नहीं इफ़ेक्ट पड़ने के पीछे रीज़न होना चाहिए था, फर्स्ट नंबर कि इसमें देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो कि इंक्रीज हुई है, यानी कि प्रमोटर अपना होल्डिंग को बढ़ाया है। जून 2024 में 50.85% का था, वहीं पे सितंबर 2024 में 52.02% का हो चुका है। यानी कि प्रमोटर को पूर्ण विश्वास है इस स्टॉक पर, यानी कि इसकी अपनी कंपनी पे। तो फिर औरों को क्यों नहीं विश्वास हो रही है? FIH का भी होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा है, जहां पर जून 2024 में 1.06% था, वहीं पे अब 2.14% का हो चुका है FIH के पास में होल्डिंग। और पब्लिक के पास में डाउन हुआ है क्योंकि ये लोग अपना होल्डिंग को बढ़ाए हैं। दूसरा नंबर कि क्वार्टर रिजल्ट इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सेल्स काफ़ी अच्छा होता है, एक्सपेंस नाम मात्र का है, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में 26 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये, 21 रुपये, फिर से 26 रुपया, 80 पैसा, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है अर्निंग पर शेयर में भी और इसका रिजल्ट में भी। और जिस कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट में हो और अच्छे प्रॉफिट में हो, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उसके पास में देख सकते हैं बैलेंस शीट भी स्ट्रांग बनता जाता है। कैसे? तो रिजर्व इसके पास में देख सकते हैं, जहाँ पर कि मार्च 2013 में 163 करोड़ का मात्र नाम मात्र का रिजर्व था, वहीं पे अभी 2948 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। कितना इम्प्रूवमेंट किया है इस स्टॉक ने। और इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि देख सकते हैं अभी के समय में 3158 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फिक्स एसेट तो नाम मात्र का है, जहाँ पर कि इसके पास में इन्वेस्टमेंट 1000 का है, वहीं पे 130 करोड़ का फिक्स एसेट है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार ही करिए, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। ऐसे वन ईयर का प्राइस चार्ट देखिएगा तो देख सकते हैं, जहाँ पर कि एक समय था 1 नवंबर 2023 को 185 रुपया 40 पैसा पे ट्रेड कर रही थी, वहीं पे अभी 400 से ऊपर यानी कि 500 के करीब गया हुआ था। यहाँ पर ये सेटलमेंट करके है दिखा रहा है, लेकिन अभी भी ये 400 के करीब में ट्रेड कर रही है, यानी कि 395 रुपया 30 पैसा पे। ये जो आपको प्राइस चार्ट दिख रहा है, ये screener.in पर वेबसाइट पर है। nseindia.com वेबसाइट पे इस स्टॉक का प्राइस 395 रुपया, यानी कि 17 रुपया 20 पैसा आज के दिन में डाउन हुआ है, काफ़ी डाउन हुआ है, जबकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाएगा इस कंपनी का, मार्केट में इस कंपनी का स्थान स्ट्रॉन्ग है, यानी कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और एक बात देखने वाली है कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज NSE एक्सचेंज पर भी काफ़ी अच्छा है, 53.34%। जो लोग इस स्टॉक को समझ गए हैं वो तो इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके उठा ही रहे होंगे। बाकी एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।